नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस OTT 3 के में के सीजन 3 के मेकर्स लोकेश कटारिया, विशाल और शिवानी से डरकर वोटिंग लाइन जो अब तक बंद कर दी थी वो वोटिंग लाइन पूरी तरह से खोल दी गई है। आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर बचा सकते हैं। इस वीकेंड के वार में होने वाले सबसे बड़े इलेक्शन से पहले फेवरेट कंटेस्टेंट को क्या बचा सकते हैं। वोटिंग लाइन खुल चुकी है, हमारे सामने डिटेल आ चुका है। क्या कहती है ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड, कौन निकला किसके आगे, कौन रह गया पीछे, इलेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किसको ज़्यादा वोट मिल रहा है। सारी की सारी बातें पूरे विस्तार से बताएंगे आज की रिपोर्ट में। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए होंगे साईं सीमा गुप्ता ब्लॉग पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और एक लाइक दे दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। OTT ओपनिंग पे जो लास्ट पैदान पे है उनसे शुरुआत करते हैं। आखिरी पैदान पे यानी तीसरे पैदान पर है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी को दर्शक बहुत प्यार पसंद करते हैं, लेकिन लोकेश और विशाल के मामले में शिवानी कुमारी को उतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं। शिवानी कुमारी को तीसरे नंबर पे रखा गया है। हालांकि इम्यूनिटी टास्क में शिवानी ने जीता है, हालांकि 4 वोट शिवानी को मिले हैं। सना मकबूल और निजी विशाल साथ ही साथ लोकेश कटारिया, इन चारों का साथ मिला है। नंबर 1 पे रहा इम्यूनिटी टास्क में, लेकिन वोटिंग ट्रेंड में वो तीसरे नंबर पे है। उन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर है कौन है, पहले नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है विशाल पांडे। इनके फैन इन्हें शो में देखना चाहते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे नंबर पर रखा है। अब नंबर 1 पे हैं यहाँ लोकेश कटारिया। चाहे कोई भी मामला हो, लोकेश नंबर 1 पे रहते हैं। इस बार जनता ने भी यहाँ पे उनको बहुत सारा वोट दिया है। बताना चाहते हैं कि वोटिंग ट्रेंड में विशाल पांडे शिवानी कुमारी के बीच में वोटों में ज़्यादा फासला नहीं है। कभी भी पलट सकता है, विशाल शिवानी के वोटों का फासला बहुत कम है। अब यहाँ बताना चाहते हैं कि वोटिंग लाइन ओपन क्यों की गई। मेकर्स ने तो वोटिंग लाइन वाले मेकर्स जो हैं वो वोटिंग लाइन ओपन नहीं कर रहे थे। जिस तरह से जनता गुस्सा हो रही थी, जिस तरह से जनता ने अनस्टॉल मार दिया था बिग बॉस OTT 3 सीजन को, देखने से बिग बॉस OTT 3 को जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। जनता का फैसला देखकर बिग बॉस OTT 3 का वोटिंग लाइन खोल दिया गया। इस पहले लोकेश कटारिया को बिग बॉस से बाहर करना चाहते थे, लेकिन लोकेश कटारिया के फैंस की ताकत को देखकर बिग बॉस के मेकर्स ने फैसला बदल दिया और बिग बॉस में मेकर्स ने फैसला यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, अगर नाइंसाफ़ी करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने वोटिंग लाइन खोल दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, शुक्रवार सुबह 10 बजे तक ही वोटिंग लाइन खुली रहेगी, उसके बाद वोटिंग लाइन बंद है हो जाएगी। इस हफ्ते होने वाले दोस्तों सबसे बड़ा एलिमिनेशन में ये तो तय है कि शिवानी लोकेश विशाल में से कोई एक घर से बाहर होगा, बेघर होगा। आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, किसे विनर बनाना चाहते हैं,